कलम आज तक की घर से बाहर आपकी जानकारी बता दूं। देखिए कौन है गोली चलाने वाला है, बताया विधानसभा क्षेत्र के गांव टोला इलाके में उन्होंने गोली चलाकर बड़ा हादसा धमकी देखने को मिला है। सरकार जो की जिस तरीके से यहां पर आपको ये पब्लिक इकट्ठी नजर आ रही है, इसके बारे में हम आपको कुछ बताएंगे। यहां पर गांव टूंड इलाके में ये जनता क्यों इकट्ठी हुई है, क्या मकसद है इकट्ठे होने का, तो चलिए हम यहां के रहने वाले बाशिंदों से आप रूबरू करा रहे हैं, जिनकी आंखों से देखा हुआ माजरा है, आखिरकार क्या कहेंगे। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम शमसुआ जी। जी क्या मामला है, क्यों इकट्ठी हुई है यहाँ पर भीड़? एक गोली चलाई जी जाहुल ने। किस कौन जाहुल है? हनीफ को, सरपंच भतीजो, इसी गाँव टूंडला के ताल्लुक रखता है। क्यों उन्हें गोली चलाना पड़ा? इसलिए भाई ये गुंडा करे, चोरी चक्का करे, धमकी दिखा रहो, धमकी दिखा रहो, अपना गोली चलाई उन्होंने। हाँ, चार गोली चलाई है। पक्की बात है? पक्की जी। आप क्या कहेंगे, क्या मामला है? डकैती कर तो डोले, चोरी कर तो डोले, पैमा काट कर डोले और जाहुल गोली चला डोलो, धमकी दिखा रहा हूँ। अच्छा, अभी गोली चली? हाँ, अभी गोली चली जी। आप बताइए कि जो जाहुल है, हनीफ को है, याने गोली चलाई है, दो तीन गोली चलाई है या नहीं? चोरी चक्का कर तो रहे, इनको गिरोह है, ये को मामले का को सैदवा का नाम की पता ना, गाड़ी में आया हर इन हवाई फेर करा, दो तीन गोली छोड़ी है, और ये तमाम गांव ने देखो, तमाम गांव के सामने गोली छोड़ी है। बस जी, दबंग गिरी है जी इसकी, गोली की नोक पे करे है, धमकावे है, डरावे है आदमी ने, हनीफ को लटका है जो जा बोले। देख लीजिए, यहाँ के रहने वाले बाशिंदे इसी आवाज को पुकार रहे हैं कि टूंडला के गांव अभी अभी 10 मिनट पहले गोली चली है। लेकिन चलिए हम कुछ और आदमी से आपको रूबरू कराएंगे, क्या कहेंगे। जी क्या नाम आपका? आस मोहम्मद जी। आस मोहम्मद जी, क्या मामला है, क्यों इकट्ठी हुई पब्लिक यहाँ पे? यहाँ गोली चली बता जी। अच्छा, गोली चली है जी, क्या मामला है? यहाँ जी गोली चलाई, कार में आया एक मामले का, उसके साथ उसने हवाई फायर भी करी है और, अच्छा, और दिखा कर धमकी दे रहा है, इसलिए धमकी दे रहा है, मैं ऐसे चलाऊंगा या मार दूंगा। देख लीजिए, इनका कहना है कि उन्होंने, वो एक दबंग आदमी है और एक गुंडा आदमी है, उन्होंने जैसे ही गोली चलाई कहा कि तुम्हें इस तरीके से मैं अपनी गोली से मारूंगा। तो चलिए हम यहाँ के और कुछ लोगों से आपको रूबरू कराएंगे। गोली चली है जी, गोली चली है, इसलिए यहाँ भीड़ हुई पड़ी। चलिए, एक बुजुर्ग और है आमीन नाम का, हम आपको उससे भी रूबरू कराएंगे, आखिरकार वो क्या कहेंगे इस बारे में। जी क्या मामला है, क्यों इकट्ठी हुई पब्लिक? भाई ये सुन रहे हैं भाई, गोली चलाई है सड़क पे भाई, गोली चली है सड़क पे। हाँ, ऐसे सुन रहे हैं, मैं तो पुराना से आया हूँ अभी। तो देख लीजिए, यहाँ पे पूरे गांव की जनता यहाँ पर मौजूद है और वो इसी आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि यहाँ पे गोली चली है। तो चलिए हम आपको कुछ और लोगों से रूबरू कराएंगे, आप भी बताइए जी, क्या है, क्यों यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई? यहाँ पे गोली चली उसके ऊपर, गोली चली, किसने चलाई गोली? जाहुल ने। जाहुल का बाप का नाम क्या है? हनीफ। यानी कि उन्होंने गोली चलाई है, किस कहाँ पे चलाई गोली? सड़क पे गोली चलाई। देख लीजिए, सभी क्या जबान से यही आवाज बुलंद हो रही है कि यहाँ पे गांव टूंडला के में जाहुल सनोफ हनीफ ने यहाँ पर गोली चलाई है। हाँ। जी क्या हुआ है? हाँ, गोली चली, गोली चली है। हाँ। किसने चलाई गोली? चलाई नाम जो जाहुल नाम बता रहे हैं जो जाहिर। देख लीजिए, गांव के सभी लोग इसी चीज़ को बुलंद कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं कि यहां पर जो गोली चली है वो जाहुल नाम के लड़के ने गोली चलाई है, जो गुंडागर्दी करता है और मारने की यहां के लोगों को धमकी देता है, तो उन्होंने जो हवाई फायर करा है वो अभी किया 10 मिनट पहले। तो सभी गांव के जिम्मेदार इस चीज़ को तस्दीक कर रहे हैं कि उन्होंने यहां पर गोली चलाई है। तो अब तक बस इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ, नए प्रोग्राम के साथ, तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ कलम आज तक के साथ।